हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार पब्लिक स्कूल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5। योर सब्जेक्ट इज़ मोरल साइंस बाय जीवन प्रीत कौर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर लेसन 1। द लेसन 1 इज़ चैरिटी। व्हाट इज़ चैरिटी? चैरिटी वो होती है जो हम अपनी खुशी से दान करते हैं। सो लेट्स कम। He is truly great who has great charity. Charity मतलब आप जो खुशी से दान करते हैं उसे charity कहते हैं। The three rich men, तीन अमीर आदमी। In a far away land, upon a time there was a great poverty. Only the rich could manage without great problems. Three of those rich men and their servant were traveling on the same road in the convoy. When they came to a very poor village, seeing this poverty, different reaction were poked in all the three rich men's mind. So, बहुत लंबे पुराने समय की कहानी है कि मतलब उसमें तीन आदमी थे। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई थी, पॉवर्टी हो गई थी कि जो बहुत अमीर लोग थे बस वही सर्वाइव कर पा रहे थे प्रॉब्लम्स में। जो बहुत गरीब लोग थे वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो जो एक इस कहानी में तीन लोगों के बारे में बताया गया है। द थ्री हु आर रिच मैन एंड देयर सर्वेंट वे आर ट्रैवलिंग ऑन द सेम रोड इन द कन्वे। व्हेन दे केम टू ए वेरी पुअर विलेज, सीइंग दिस पॉवर्टी, डिफरेंट रिएक्शन वे आर पोक्ड इन ऑल द थ्री रिच मैन माइंड। मतलब वो लोग एक कन्वे से एक बहुत ही गरीब गांव में जब वो लोग आए, उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग तो कितने गरीब हैं और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको खटकी, पोक्ट मतलब खटकी कि मतलब ये उन लोग के माइंड में ये बैठ गया कि मतलब ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। द फर्स्ट कुड नॉट स्टैंड टू सी इट, सो ही took all the gold and jewelry from his cart and distribute them among the poor village. एक जो पहला person rich person था उसे ये सब देखा नहीं गया, तो उसने क्या किया, अपने सारे सोने और गहने वहने सब जो वो लाया था उसने सब उतार के distribute मतलब क्या होता है students, बांटना। उसने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया poor villages को। He wished them all that best of luck and left. उसने सबको शुभकामनाएं दी और वह वहाँ से चला गया। The second rich man, seeing their desperate situation, stopped for a while and gave them village all his food and drink, since he would see that money would be a little use of them. तो उसने क्या किया, जो सेकंड रिच मैन था उसने जो भी उसके पास खाने पीने का सामान थे, ड्रिंक एंड फूड, उसने वो सारे खाने पीने के सामान किसको दे दिए, विलेजर्स को दे दिए, क्योंकि उसको लगा कि अभी पैसा इतना इन लोग के काम नहीं आएगा, लिटिल यूज टू देम मतलब कम काम आएगा, लिटिल यूज टू देम है। तो ही मेड श्योर डैट ईच विलेजर रिसीव्ड इट्स फेयर शेयर एंड हैव इनफ फूड टू लास्ट फॉर सम टाइम्स, देन ही ऑल्सो लेफ्ट। मतलब उसने ऐसा बांटा कि मतलब सब गांव के लोगों को वो खाना मिल जाए और फिर वो भी वहाँ से चला गया। नाउ कम लेट्स सी द थर्ड मैन व्हाट इज ही हैज डन। The third man, on seeing such poverty, spended up and passed straight through the village without stopping. The two other rich men saw his from a distance and discussed with each other how the third man lacked feeling and compassion to them. It was good that they had been there to help the poor villagers. जो तीसरा आदमी था, जो अमीर आदमी था, वो रुके बिना ही आगे बढ़ता गया। मतलब उसने विलेज पीपल्स को कुछ दिया नहीं और वो बस आगे बढ़ता गया। तो आगे खड़े जो उसके दो साथी थे, जो दो रिच मैन थे, वो डिस्टेंस में खड़े थे और वो डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कैसे ये आदमी की फीलिंग है, इसको दया नहीं आ रही, इसको तरस नहीं आ रहा लोगों पर। It was good that they had been there to help the poor villager. ये अच्छी बात है कि वो लोग वहाँ पे थे
पुअर विलेजेस की हेल्प करने। हाउएवर थ्री डेज लेटर दे मीट द थर्ड रिच पर्सन हु वॉज नाउ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब वो लोग तीन दिन बाद वो लोग किससे मिले, अपने तीसरे साथी से मिले जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सो ही वॉज स्टिल ट्रेवलिंग क्विकली बट हिज कार इंसिस्ट ऑफ अ गोल्ड एंड वैल्यूएबल ही हैड बीन कैरिंग वेयर नाउ फुल ऑफ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स टूल्स एंड सेक्स ऑफ सीड्स स्नेक्स ऑफ सीड्स एंड ग्रीन्स। He was healing towards the poor villagers to help them coming out from poverty. तो जब अब की बार वो लोग जो थर्ड पर्सन से मिले, उन्होंने देखा कि उसके पास कोई भी गोल्ड नहीं था, कोई भी ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन वो उसने क्या किया था, वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें लेके आया था, जैसे फार्मिंग की सारी चीज़ें लेके आया था, इम्प्लीमेंट टूल्स लाया था, सीड्स को कैसे ग्रोन करते हैं, ग्रेन्स को कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें लाया था, जिससे जो वो गरीब लोग थे वो लोग फार्मिंग सीख के अपना पालन पोषण कर लें और पॉवर्टी से बाहर आ सकें। This happened a long, long time ago, but we can see the very same thing in the happening today also. ये बहुत पहले होता था, लेकिन आज के ज़माने में भी हम लोग ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। Around us there are some genuine people who give only so that people can know how much they are giving. They do not want to know anything about the people they are giving to. मतलब आज के ज़माने में ऐसे लोग होते हैं जो बस देने का सोचते हैं कि हम लोग बस उनको गरीब लोगों को दे दें, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग किसको दे रहे हैं। अदर काइंड ऑफ जेन्युइन पीपल रियली ट्राई टू हेल्प अदर्स बट ओनली सो डैट दे कैन फील बेटर अबाउट देमसेल्फ। जो दूसरे पीपल होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन पीपल्स जो जिस पीपल की वो लोग हेल्प करने जाते हैं, जिन लोगों की वो लोग हेल्प करने जाते हैं, वो उनके बारे में भी सोचते हैं और अपने बारे में भी सोचते हैं। बट दे आर अदर जेन्युइन पीपल द बेस्ट काइंड टू देम इट डज नॉट मैटर व्हाट द अदर काइंड्स ऑफ जेन्युइन पीपल थिंक ऑफ देम। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अपने मन का करते हैं और वो लोग ये भी नहीं सोचते कि दूसरा पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहा है। इट डजेंट मैटर नॉट दे डू नॉट गिव चैरिटी इन द शोली वे। मतलब वो लोग दान जो है वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं। इंस्टेड दे ट्रूली वरी अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द लिविंग ऑफ दोज हु आर हेल्पिंग इन द बेस्ट वे। They give greatly of something more much valuable than money. They can give their time, their vision and their lives. We still have time to get changed to the third and best group. So, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे की चैरिटी पे विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग इस तरह से मदद करते हैं कि उस जो बंदा दुख में है, जो बेटा पॉवर्टी से गुजर रहा है, जो विलेजेस पॉवर्टी में गुजर रहे हैं, उन्हें कोई काम धंधा दे के या उनको कोई चीज़ें सिखा के हम उनको पॉवर्टी से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि कुछ समय का दान वो कुछ समय का ही रह जाएगा। द फर्स्ट पर्सन गिव द ज्वेलरी, तो वो ज्वेलरी का क्या करेंगे, बेच के कुछ दिन खा लेंगे। द सेकेंड पर्सन कौन था, उसने ड्रिंक्स और अपने सारे फूड दे दिए थे क्योंकि उसे लगा कि अभी इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो फूड और वो कब तक चलाएंगे, ज़्यादा देर तक तो नहीं चला सकते। लेकिन जो थर्ड पर्सन था, उसने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया, उसने अपनी बुद्धिमानी से गरीबों को फार्मिंग के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स दिए ताकि वो लोग फार्मिंग स्टार्ट कर सकें और उस पॉवर्टी से बाहर आ सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोग को जो है ये सारी कहानी अच्छी लग आप लोग को समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।